नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड के मशहूर लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर ने हाल ही में एक ऐसी बात कह दी जिसे लेकर अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। दरअसल जावेद अख्तर ने लाउडस्पीकर पर अजान देने पर एक ट्वीट किया था जिसमें उनका कहना था कि लाउडस्पीकर पर अजान देने का चलन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को असुविधा होती है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा था, भारत में करीब 50 साल तक लाउडस्पीकर पर अजान देना हराम था, फिर ये हलाल इजाजत कैसे हो गया और इतना हलाल कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। अजान ठीक है लेकिन लाउडस्पीकर पर अजान देने से दूसरों को असुविधा होती है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस बार वे खुद इसे करेंगे। जावेद अख्तर के ट्वीट के बाद अब वो ट्रोल हो रहे हैं। लोग लगातार उनके ट्वीट पर आपत्ति जता रहे। एक यूजर ने जावेद अख्तर के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए लिखा, मैं आपके इस विचार का समर्थन नहीं करता, कृपया इस तरह के कमेंट पास ना करें जो इस्लामिक विचारधारा को ठेस पहुंचाते हैं। जिंदगी में सही राह पर चलने के लिए अजान प्रार्थना का सबसे सही तरीका है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, सर तबियत तो ठीक है ना आपकी। वहीं कुछ लोगों ने इसे 2017 में सोनू निगम के अजान विवाद से जोड़ दिया जो हाल ही में फिर से विवादों में रहा था। एक यूजर ने जावेद अख्तर के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, जावेद अख्तर जी कहीं आपका फोन सोनू निगम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। बता दें कि कुछ सालों पहले सोनू निगम ने भी लाउडस्पीकर पर अजान देने के नियम पर सवाल उठाते हुए इसे बंद किए जाने की मांग की थी जिसके बाद उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया को देखते हुए जावेद अख्तर ने अपनी सफाई में एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, अगर आप किसी त्योहार पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल मंदिर या मस्जिद में रोजाना नहीं होना चाहिए। करीब 1000 साल से अधिक समय से अजान बिना लाउडस्पीकर के दी जा रही है। अजान आपके मजहब का अभिन्न हिस्सा है, किसी गैजेट का नहीं। बता दें इससे पहले मार्च में भी जावेद अख्तर ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान मस्जिदों को बंद करने का समर्थन किया था और कहा था कि महामारी के दौरान काबा और मदीना तक बंद। ऐसे में उन्होंने सभी मुस्लिमों से रमजान के महीने में घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की थी। वैसे जावेद अख्तर के इस ट्वीट से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।